Hi dear students, the last question for practice set 6.1. The following table give the information of frequency distribution. Weekly wages of 150 worker of company, find the mean of the weekly wages of the step deviation method. हमें weekly wages निकालना है step deviation method से. Step deviation method में इस वजह से use करते हैं, जो value बड़ी हो जाती है जब हम step deviation after assuming method के अंदर हम use करते हैं या division method के अंदर हम use करते हैं. तो सबसे पहले मैं जो इसमें weekly wages है वो write कर लेता हूँ पहले, इसलिए वीडियो को थोड़ा रुका के. डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने वीकली वेजेस राइट कर दिया 1000 टू 2000 2000 टू 3000 3000 टू 4000 4000 टू 5000 और फ्रीक्वेंसी भी राइट कर दिया 25 45 50 30 जो हमें गिवन टेबल में थी. चलिए क्लास मार्क निकलते. क्लास मार्क कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों की एडिशन करते हैं. किन दोनों की? इन दोनों की एडिशन करके हम क्या करते हैं, यानी 2000 प्लस 1000 कितना होता है 3000 के अब कितने हो जाएंगे 1500. चलिए इसमें राइट कीजिए 1500 अब ये निकलने के बाद में हम एक काम करेंगे, सबसे पहले डिविएशन निकाल देंगे. तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा. तो अज्यूम किसी भी कर सकते, नो प्रॉब्लम. तो अज्यूम में जो इसमें जो दिख रहा है इसे अज्यूम कर लेता हूं मैं, 2500 को अज्यूम कर लेता हूँ. अब देखिए यहाँ पर मैं 2500 लिखा होता है एक्स आई, यानी 1500 में से 2500 माइनस करो तो हमारे पास में कितना बचेगा, माइनस 1000. 2500 में से तो जीरो आ जाएगा, इसमें से ये 1000. फिर से मैं एक बार राइट कर लेता हूँ, ये 1000 और 4500 में से माइनस 2500 तो भी बचेगा 2000. तो सिंपली हमने जो निकाल दिए, नो प्रॉब्लम. फ्रीक्वेंसी का हम जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की हम एफ आई यूज करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं 80 और ये 120 140 150 कितना गया 150. तो 150 रुपीज़ हम यहाँ पर राइट करते हैं. और चलिए अब हम इसे जो निकालेंगे यू जब हम निकालेंगे, हम यू कैसे निकालते हैं आपको पता है. तो जब भी हम यू निकालेंगे तो यू निकालने के लिए हम लिखेंगे डी आई अपॉन जी, ग्रेटेस्ट डिवीजर. तो ग्रेटेस्ट डिवीजर हम कितना लेंगे, इसमें आप जो लेना चाहते हैं लो, लेकिन 1000 सफिशियंट है. 1000 लेने के लिए उसमें 2000 तो नहीं ले सकते, 1000 ले लो. डी आई समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 1500 लेता हूं मैं. तो 1500 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस या 1000 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें. तो कितना जाएगा, सॉरी डिवीशन 1000 है, मैंने डिवीशन कितना है 1000 है. तो माइनस 1000 अपॉन ग्रेटेस्ट डिवीजर मैं यहां पर ले लेता हूँ. ग्रेटेस्ट डिवीजर मैं जी ले लेता हूँ 1000. यहां पर राइट कर, थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है. तो इसमें कितना होगा 1000 लेने के बाद में, 1000 लेने के बाद में कितना आएगा, ये कर लेगा 1 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1. तो हमने जी कितना लिए, यहाँ पर जी हमने लिए 1000. और तो इससे डिवाइड किए तो आंसर आएगा 0. इसको 1000 1000 1000 2000 ये आ गया. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाए एफ आई और यू आई का. 25 1000 25, 45 0, 51 50, और ये 33 2 6 ये हो जाएगा 600. तो आप इसका जो कैलकुलेशन है, हम इसका कैलकुलेशन राइट कर डालते हैं यहाँ पर. जो हमें मिलने वाला था क्या, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना जाएगा, नीचे राइट करता हूँ. देखिए इसका आंसर जाएगा, इसका एडिशन कर दो 60 और ये कितना हो गया 110 में से 25 गए तो 85 कितना 85. और हमें क्या क्या मिल चुका है देखिए, यहाँ पर हमें क्या क्या मिल चुका है देखिए. सिग्मा एफ आई कितना मिल चुका है 150 कॉमा, और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना मिल चुका है 85. तो हम स्टेप डिविशन मेथड के लिए पहले क्या यूज करते हैं, यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई
वैल्यू पुट कीजिए, एफ आई इंटू यू आई कितना है 85 और ये कितना आया 150। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे टेस्ट डिजिबिलिटी से तो समथिंग इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में 0.56667। मैंने इधर साइड में डिवाइड कर चुका हूँ। और अब जब मीन हम निकालेंगे तो मीन किस तरह निकालेंगे, हम मीन के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला मीन कैपिटल एक्स, तो हम अज्यूम लेते प्लस यू बार जो निकाले और जी, ए कितना है हमारे पास में ऊपर देखिए 2500 प्लस यू कितना निकाले अभी हमने, यू आप जानते हो 0.56667 ओके, और इनटू ये जो हमारा जी है ये 1000 लिए थे हमने, देखिए यहाँ पर मैंने राइट कर चुका हूँ ठीक है 1000। तो सिंपली इनकी एडिशन अगर हम करते हैं, इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसे इस तरह राइट करो 2500 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो डेसिमल इधर जाएगा यूनिट 1000 तो यह जाएगा 566.67। और इनकी जब हम एडिशन करेंगे तो समथिंग इसका जाएगा 3066.67। तो ये हमारा मीन निकल चुका है। और लास्ट का आंसर समझ लो, हमारे लास्ट जो आंसर है हमारा लास्ट आंसर यही रहेगा ओके। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू तो यही रहेंगी, लेकिन आप इसको 3070 रुपीज भी लिखते राउंड ऑफ के पास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूले।